मैं आज ये अपना फाला घटा हूँ। जैसे कि आप सबको पता है परसों हमारा ये जिंदा में ये जिम का काम खत्म करके कल मैं यहाँ पर आया हूँ अपना डिस्ट्रिक्ट अलीपुर में। डिस्ट्रिक्ट अलीपुर फालाकाटा में आया, फालाकाटा में इन लोगों ने यहाँ पे छोटी सी मीटिंग का आयोजन किया था जिसमें हमारे सूबेदार मेजर जे एन सरकार साहब आए हुए। और जे एन सरकार साहब ये आर्मी से बिलोंग करते हैं, ये राजपुताना के हैं, राजपूत रेजिमेंट के हैं। तो यहाँ पर मुझे भी मालूम था कि इन लोगों ने यहाँ पर ऐसी मीटिंग का आयोजन किया हुआ, फिर भी बहुत अच्छा इन्होंने बंदोबस्त किया था। तो इसी उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर अलीपुर द्वार का एक डिस्ट्रिक्ट यूनिट की घोषणा करता हूँ जिसमें पदाधिकारी बनाए हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यूनिट बना चुका हूँ मैं आज। और ये डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो हमारी वेस्ट बंगाल की एक अलग से डिस्ट्रिक्ट यूनिट बनी है यहाँ पर आज, तो ये साहब के जो हमारे सरकार साहब के नेतृत्व में ये काम करेगी यहाँ पर। इनको मैं सारा दायित्व दूंगा कि वेस्ट बंगाल स्टेट का बंगाली समाज है, मतलब कि हावड़ा जो भी 24 परगना इधर को जो पड़ता है मालदा इन सब जगहों का कार्यभार मैं इनको देके जा रहा हूँ, यहाँ पर गाइड करेंगे। तो साहब को मैंने समझा दिया है, साहब को मालूम है उससे सामने मेरी कंडीशन। तो हमारे जितने लोग परेशान हैं ये लोग आएंगे, हालांकि ये मीटिंग में कहते हैं जिनमें आए थे वहाँ पर बातचीत करने का टाइम नहीं हुआ, इसके लिए उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं कल रात पहुँचा था। तो साहब सरकार साहब को बताना चाहूँगा क्या कहेंगे, कैसे हमारे लोगों को कंट्रोल करेंगे यहाँ पर और इनके वेलफेयर देखेंगे। मैं जेएन सरकार साहब से बोलना चाहूँगा, आप सब बताइए। साहब जी, आज जो आपके साथ हमने अपने बुलाया है आसाम रेजिमेंट आसाम में राइफल के साथ आपने बुलाया मीटिंग पर, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही अच्छा लगा आपका मीटिंग सुन करके। दूसरी बात है आसाम में राइफल का जो नुमाइंदे है हमारे साथ सभी एडजस्ट है, हम एक साथ है इसी के बारे में उनका डिटेल बताऊंगा। और दूसरी बात है जैसे इन्होंने हमारे साथ मेंबरशिप लिया है अपने राजपूत या अपने फालाकाटा में हमारे आर्मी का एक एसोसिएशन खोला है जिसका नाम है फालाकाटा एयर सर्विस एंड वेलफेयर एसोसिएशन। इसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और आसाम राइफल का भी है एडजस्टमेंट है और ये हमारे साथ है। और आसाम राइफल के सब जितने भी है इनका रिपोर्ट हमें बिनापुरी डिवीजन हेडक्वार्टर में दे रखा हूँ, उन्होंने बोला है उनको भी अपने का साथ रखो, वो भी हमारे अपना इंडियन आर्मी का है, हमारे साथ एडजस्ट है वो। तो इसलिए मैं उनका जो भी काम है मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा भी। और जो सामने जो है आपका क्या नाम सर, नारायण सिंह बीस, उन्होंने जो हमारे साथ जो का कॉपरेट किया इंट्रोडक्शन किया है और इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरी बात बीस अंदर की जो कुछ बात है इस बात को हमें मालूम नहीं था लेकिन आज मालूम हुआ। और इनका भी दोनों ग्रुप को आर्मी या तो नेवी और राइफल का भी इनका भी मैं गाइड करूँगा, करने की कोशिश करूँगा और उनका कुछ गलती हो तो मैं उनका थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। मैं सभी लोगों को ये बताता हूँ साहब, जैसे हमारे कक्ष हैं तो आपको तो दायित्व है, आप पेशेंट जरूर हैं लेकिन थोड़ा सा घर में ही गाइड करेंगे क्योंकि आपको पता है मान के ओवरऑल तो ये भी देखिए आप भी देखिए हमारे जो सेक्रेटरी बना रखी है साहब इनको भी जिम्मेदारी दे रखी है, सब अपने सिस्टम में तरीके से बना के जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वेस्ट बंगाल चाहे कलकत्ता का कहीं भी हो चाहे कहीं कहीं करो मेरे पास जो लिस्ट होगी मैं आपको भेजूंगा साहब, आप यहाँ पर काम करना और ये जो मेरे पास आदमी आते हैं मैं आपको भेजते रहूँगा, सिस्टम के तरीके से काम करोगे फिर मैं जल्दी ही आपको उनसे भी मिलने आऊँगा। धन्यवाद। ओके सर, চলে যাবো আমরা রানীরা ধূপগুড়ি একটা শর্টকাটে নিয়ে যাবো মাঝখানে আছে না একটা শর্টকাট আসতো কোনো শর্টকাট নেই তোমাকে দিয়ে যাওয়া আর কি খালাঘাটা জড়েশ্বর তো জড়েশ্বর কেন যাবো জড়েশ্বর তো সিদ্ধে গেছে।